समय आप देख सकते हैं कि काफी जो है भीड़ लगा हुआ है, जहाँ पे काफी महिलाएं भी यहाँ पे हैं और समर्थक भी हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। अनारी देवी, अनारी देवी जी बताइए कि आप जो है गमछा लगाई हैं समाजवादी का, क्या इलेक्शन की टाइम चल रहा है? अच्छा जी, इलेक्शन चल रहा है। हाँ, पब्लिक के साथ बैठी हूँ। अच्छा, पब्लिक के साथ बैठी हैं। इस बार क्या माहौल है? माहौल है कि गोपाल जीत जा। गोपाल जीत जा? हाँ जी। तो क्या हवा है गोपाल जी का? सही है, एकदम बढ़िया है। वोट हम इनके देव साइकिल पर। अच्छा ठीक है, साइकिल पर देंगे ना जी, एकदम साइकिल पे चढ़ना है। हाँ, हम शायद अपने गांव में घूम रहे हैं। गांव में जी। किस लिए घूम रहे हैं? वोट मांगने के लिए। गोपाल कैसे लोगों से मांग रहे हैं वोट? जितने हमारे गांव के लोग हैं करेंगे, गोपाल जी को जिताइए। गोपाल जी अच्छा खासा काम करने वाले हैं। यहाँ जी का गोपाल जी चुनाव लड़ रहे हैं? ये सभासदी का लड़ रहे हैं। अच्छा, सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं जी। उनको जिताने के लिए आप लोग चल दिए? जी हाँ, कराएंगे एकदम विश्वास के साथ। जी विश्वास के साथ दिए हैं साइकिल को जिताने के लिए। हमारे गांव के मेरे छोटे भाई उठे हुए हैं, उनको जिताना जरूरी है और गांव का विकास भी इन्हीं के द्वारा होगा। सब लोग तो जीत ही रहे हैं। वो तो जीतने के लिए तो सभी लोग जीतने के लिए ही सभी लोग उठे हुए हैं, लेकिन जहां बाहुल्य जिसका होगा वही ना जीतेगा। फिर क्या हवा चल रही है, किसकी हवा चल रही है? हवा तो साइकिल की है, एकदम साइकिल पे सवार हो जाना है। एकदम साइकिल पर सवार हो जाना है। बहुत से लोग प्रत्याशी आ रहे हैं। प्रत्याशी तो आएंगे ही, बहुत से लोग ही आएंगे। तो किसको जिताना है? साइकिल को। साइकिल को? समाजवादी। समाजवादी को? यानी किसकी हाथ मजबूत कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी साइकिल अभय कुमार को जिताना है। जिताना है। अगर जीत जाएंगे तो विकास करेंगे? क्यों नहीं विकास करेंगे। आपका ये ग्राम सभा था बहुत काफी जो है? हाँ, ग्राम सभा था, अब टाउन एरिया में आ गया है। बहुत अभी समस्या है, उन्हीं के द्वारा होगा। अगर हिलाल जी जीतेंगे तो समस्या दूर हो जाएगा। आइए हम प्रत्याशी जो गोपाल जी हैं उनसे हम बात करते हैं, चुनाव का क्या माहौल है। नमस्कार गोपाल जी। नमस्कार। क्या माहौल चल रहा है यहाँ? तो माहौल चेयरमैन साहब की तरफ है और अभय कुमार की तरफ, हम लोग जीत रहे हैं। हमारे चुनाव चिन्ह साइकिल है, हमारी पत्नी अंतिमा देवी लड़ रही है। अच्छा, आपकी पत्नी जो है अंतिमा देवी लड़ रही है? किस मुद्दे से चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोग विकास के मुद्दे से लड़ रहे हैं। वैसे हम गांव में बहुत कार्य किए, हर एक आदमी के सुख दुख में लगा रहता हूं। उतना सक्षम भी नहीं हूं, मगर जितना है मैं लगा रहता हूं। यहां पर देखा जाए कि तमाम जो है प्रत्याशी आ रहे हैं, तमाम दावा पे दावा कर रहे हैं। दावा पे दावा करने से नहीं होता। चेयरमैन साहब हम लोग से आज से 15-25 साल से जुड़े हैं, हर चीज में मदद करते हैं। कोई चला जाता है उनको खाली हाथ नहीं लौटाता, जितना होता है दुख में बीमारी में। अब विकास की बात, उन्हीं के सहयोग से पूरी गांव में, अभी तो टाउन में हम लोग गए नहीं थे, उसके पहले से हम लोग को लाभ लाइट और सड़क उड़क ये सब दिए हैं। अगल बगल उन्हीं का देन है, नाला का, हमारे ये गांव से बगल जो नाला निकला उन्हीं का देन है। मैं इधर जो कोइराट की बस्ती से निकल के गया है बापू इंटरकाल, उन्हीं का देन है। चलिए हम लोग विकास करेंगे, ये नाली का नाला का यही विकास होगा, रोड चक्रोड। यानी आप चुनाव जीत जाते हैं तो जो विकास कार्य रुका हुआ है वह विकास जो है आप चेयरमैन साहब से मिलके जो है काम करवाएंगे। कहाँ पूरा महिलाओं के साथ आप चल दी हैं? अरे चल रहे हैं गोपाल जी के लिए वोट मांगने। अच्छा, गोपाल जी के? जी। वोट मांग रही हैं? जी। क्या निशान है इनका? साइकिल है। जो साइकिल है जी। तो क्या गोपाल जी का चुनाव जीत जाते हैं तो विकास करेंगे? बहुत किए हैं विकास हमारे गाँव में, जो मंदिर है हमारे गाँव को वही करवाए हैं, हिलाल साहब ने करवाए हैं। बाबा साहेब की, रविदास बाबा की मूर्ति जो बनवाए हैं उन्हीं का हाथ है। यानी हिलाल जी कराए हैं? जी हाँ। पहले तो आपका ग्राम सभा में था? सब उन्हीं का हाथ है। यानी विकास खूब हो गया जी? अभी चुनाव बगैर जीते ही विकास हो गया? हाँ, बहुत हुआ है। कुछ नहीं खर्च किए हैं तो 3-4 लाख रुपया खर्च किए हैं। कौन किया है? हिलाल साहब। हिलाल साहब जी, 3-4 लाख रुपया में विकास हो गया है? नहीं नहीं, अभी तो मंदिर बनवा रहे हैं, अभी बनवाएंगे। मंदिर बना रहे हैं? जी हाँ। आपका गांव में जो काफी जो है समस्या जो है, हाँ। और यहाँ पे पानी का निकासी नहीं है, रोड नहीं सही है, सब करवाएंगे वो लोग, वो कहे हैं। और जो हमारे गाँव में मदद दिए हैं, बहुत मदद दिए हैं, जो जिसकी जो एक्सीडेंट हुए हैं, जो मतलब एक्सपायर हो गए हैं, जो बीमार हैं, सब में उनका हाथ है। यानी आप लोगों के प्रति जो है खरा जी, उतर रहे हैं? एकदम खरा उतर गए हैं। उतरेंगे जी हाँ। ऐसा तो नहीं कि औरों की तरह? नहीं 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 नहीं,
साकिर बाबू हमारे गांव में आते हैं, सबके लिए मदद करते हैं।